नमस्कार, मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संकट की घड़ी में सब लोग परेशान हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हाँ, सरकार ने हमें सिखा दिया है कि हमें किन चीज़ों का पालन करना है। यदि आप सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको कोरोना से डरने या घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कोविड-19 और सृजन। हम सभी जानते हैं कि लगभग सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है। अस्पताल, किराना स्टोर, दूध, सब्जी भाजी, जो एसेंशियल चीज़ हैं, वो तो पहले से ही खुली हुई हैं। लेकिन जैसे स्टेडियम, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करने जा सकते हैं, दर्शक अलाउड नहीं हैं। दुकानें भी धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो खुल नहीं रही है या फिर खुल नहीं सकती है, वो क्या है? वो है कला से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। नाटक एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ासकर रंग प्रेमियों के लिए, यदि वो नाटक नहीं देखते ना तो उनके जीवन में उन्हें कुछ अधूरा सा महसूस होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवाहर बाल भवन के डायरेक्टर श्री डॉक्टर उमा शंकर नगाई जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इंस्ट्रक्टर जवाहर बाल भवन और साथ ही साथ रंग कर्म के बड़े निदेशक श्री केजी त्रिवेदी जी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 और सृजन की। ये हम सभी जानते हैं कि इस संकट की घड़ी में रेड जोन जो है, वहाँ पे लगभग बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, सिर्फ एसेंशियल चीज़ों को छोड़ के, लेकिन सृजन तो लगभग पूर्ण रूप से बंद है। तो इस घड़ी में सृजन की शुरुआत कैसे हो सकती है, सृजन कैसे हो सकता है संभव? जवाहर बाल भवन जो हमारी संस्था है, वह केवल सृजनात्मक गतिविधियों के लिए ही भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित की गई है जी। उसका एकमात्र उद्देश्य केवल सृजन का ही है। उसमें जो 16 गतिविधियाँ मुख्य रूप से नाटक है, अभिनय, संगीत है, चित्रकला है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो सृजन की है, मूर्तिकला है, इन सब का जो प्रशिक्षण हमारे यहाँ साल भर चलता था, उसमें विद्यालय अवकाश के समय में, खासकर ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन लगभग 3-4 महीनों में जब बच्चे परीक्षा दे करके अवकाश में होते थे, स्कूल बंद होते थे जी। उस समय हमारे जवाहर बाल भवन में बच्चों का मेला जैसा लगता था, हजारों की संख्या में बच्चे आते थे। पिछले 2 सालों से मैं वहाँ जब से हूँ, मेरे अपने अनुभव में ये है कि लगभग पिछले साल 2700 करीब बच्चे हमने पंजीकृत किए थे, और अभी मार्च एंड में हमने 2500 से अधिक बच्चे वहाँ पंजीकृत किए। साल भर में उन बच्चों को हमने सृजनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण लगातार दिया है जी। तो जब इस शहर में, जबकि विभिन्न विद्यालय और बहुत बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं भी बच्चों के इस समय समर कैंप चलाती हैं, फिर भी हमारे संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे नियमित रूप से सृजनात्मक गतिविधियाँ सीखने आते रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति इस बार दुर्भाग्य से निर्मित हुई कोविड-19 के कारण कि बच्चों का और हम सब का घर से निकलना दूभर हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में, जिसे मैंने संकट नाम दिया है, यह संकट है, ये प्राणों का संकट है, हमारी रोजी रोटी का संकट है, और हर गतिविधि हमारी संकट से घिरी हुई है। तो हमने हमारी टीम ने मिलकर के सब ने संकट में सृजन एक नया उपक्रम शुरू किया, और ये रास्ता निकाला कि जब हम सब घर में बैठे हैं, लॉक्ड हैं अपने घरों में, बच्चे हमारे घर से नहीं निकल सकते, हमारे शिक्षक घर से नहीं निकल सकते, हम ऑफिस नहीं खोल सकते, कोई गतिविधि नहीं हो सकती, ऐसी विषम परिस्थिति में, संकट के समय में, हम सृजन की शक्ति को जागृत करें, हमारी चेतना, उत्साह फिर से वापस लौटे, निराशा का वातावरण खत्म हो, और पूरे समय 24 घंटे कोरोना वायरस के दहशत और भय के वातावरण को भुला करके हमारे बच्चे, हमारे परिवार, माता पिता और हमारे शिक्षक जहाँ तक हो सके सृजनात्मक गतिविधियों में जुड़ करके सकारात्मक गतिविधियाँ आगे बढ़ाएं, जिससे एक अच्छा वातावरण बने। और इस समय में जब 2-3 महीने हम अपने घर में रहेंगे, तो कुछ उल्लेखनीय चीज़ें हम अपने जीवन में कर पाएँ।
कि हमने उस समय ये सृजन किया था, एक यादें हमारी स्मृतियां बनी रह जाएंगी। यादें हम सभी की स्मृति में रह जाएंगी कि लॉकडाउन के समय में आपने अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाला और एक याद बनकर आप सभी के साथ हमेशा रह जाएगी। कोरोना तो सदा नहीं रहने वाला ना, कुछ दिन की बात है, आपको उसके साथ रहना है। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि रहते रहते आपको अभ्यास भी हो जाता है कि आपको किस तरह से रहना है। कुछ बुरी चीज़ें होती हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी कोरोना हमें सिखा रहा है, साफ सफाई से कैसे रहना है। और साथ ही साथ जब ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है तो इस समय दूरदर्शन मध्य प्रदेश भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। जो बच्चे 10th तक हैं पढ़ रहे हैं और 12th की जो CBSE क्लासेस हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ग्रेजुएशन लेवल की क्लासेस भी हो रही हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स की, तो आप वो सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन क्लासेस का लाभ भी उठा सकते हैं। केजी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे अब कि बाल भवन में जिस तरह की गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं तो इस बार तो वो नहीं होने वाली हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ भी निकल रही हैं और ज़्यादा बच्चे गर्मियों की छुट्टी में ही आते हैं। तो इस वक्त क्या ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, या फिर वो घर से ही आपको कुछ कुछ नया नया बना के भेज रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं उनको? देखो, ऑनलाइन क्लासेस तो 23 तारीख से ही शुरू हो गई थी जी, 23 मार्च से ही जी। 23 मार्च से हमने जूम पर ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, लेकिन जूम ऐसा जरिया है कि उसमें बच्चा फंस जाता है, तो मैं कुर्सी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि कुर्सी ही मुझे कैमरे की रेंज तक पहुंचाती है। टाइम भी बंधा हुआ है, फिक्स टाइम। टाइम भी बंधा हुआ है, तो फिर उसकी जगह हमने क्या किया, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए। अच्छा, अब आप एक्टर हो, आप अपना 3 मिनट का वीडियो डालो, हम उसको देखेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत हो, क्या गलत हो, कितने गलत हो, आपको और क्या करना चाहिए। इससे जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि मतलब ये उपलब्धि है अगर आप कहो तो कोरोना को लेकर, कि एक वो चीज़ जब कोई फिल्म वाला ऑडिशन लेने आता है तो मेरा एक्टर हिचकता है, बिल्कुल अब वो हिचकेगा नहीं, क्योंकि 30 करीब 90 दिन में उसको कैमरा फेस करने का वो कॉन्फिडेंस आ गया जो शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कभी नहीं सीख सकता था। बिल्कुल नहीं सीख सकता था। इसलिए तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और इस तरह से जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं थे, जो लोग फोन उठाने में भी डरते थे कई बार, जो बुजुर्ग लोग हैं वो सोचते थे कि हम फोन नहीं चला सकते हैं, वो भी आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं घर बैठे बैठे। तो ये बहुत बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी जो है हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जैसा कि बताया कि संकट में सृजन, आपने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, उस बारे में हम चाहेंगे कि आप जानकारी दें कि किस तरह से वो बालश्री प्रतियोगिता जो है वो होने वाली है। जी मैडम, संकट हमारे सामने उपस्थित था। 16 मार्च से आदेश शासन के हो गए कि किसी भी तरीके से शैक्षणिक गतिविधियां, कोई क्लास, शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होगा जी। और लगभग उसी समय बच्चों की परीक्षाएं समाप्त होकर के बच्चे आना शुरू हुए थे। हम लोग बड़े उत्साह में थे, हम 9 माह से इंतजार करते हैं बच्चों का कि आने वाले 3 महीने में हम ये काम करेंगे जी। हमारे टीचर इंतजार करते हैं कि ये सिखाएंगे, ये गतिविधि करेंगे, ये आयोजन करेंगे। अचानक ऐसा हो गया जैसे फसल पकी खड़ी हो और ओले गिर गए हों। हम लोग बड़े बेचैन हुए, और चूँकि हमारे जवाहर बाल भवन में टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा वो नहीं था, कंप्यूटराइज नहीं था कुछ भी, हमने चर्चा की, विचार किया, केजी ने हमको सुझाव दिया, हमने बच्चों का पंजीयन प्रवेश कराना ऑनलाइन शुरू किया। हमने वेबसाइट डेवलप करी, नए सिरे से हमारी वेबसाइट अपडेट करी, उसमें हमने सारे फंक्शन ऐसे किए कि ऑनलाइन उसमें प्रशिक्षण हो सकता है, ऑनलाइन आप घर बैठे एडमिशन करा सकते हैं, पेमेंट वहीं से हो जाएगा, आपको ऑफिस नहीं आना है, कहीं जाना नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया, और आपने जैसा सही कहा कि जो लोग फ़ोन उठाने में डरते थे अब वो सब टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हैं और व्हाट्सएप से जुड़े हैं, ट्विटर पर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया साइट, सोशल मीडिया के सारी साइट से जुड़े हैं, और बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे रोज प्रेस नोट जारी हो रहे हैं, घर बैठे टाइप करके प्रेस रिलीज हो आते हैं, और बिना अखबार आए ऑनलाइन हम प्रिंट निकाल के और उसका अखबार का सब जगह प्रचार कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा, ये राज्य बालश्री कला प्रतियोगिता का विषय है, तो हमने ये देखा है कि अगर बच्चों में
प्रतिस्पर्धा का भाव आए तो थोड़ा उत्साह आता है, बिल्कुल, और परिश्रम करके बच्चे सीखते हैं। जब बच्चों की परीक्षा होती है तो साल भर भले उतनी लगन से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा के समय तैयारी अच्छी करते हैं, लग जाते हैं। तो ग्रीष्मावकाश में बच्चे अगर हमारे जवाहर बाल भवन में आकर सीखते तो निश्चित रूप से शिक्षक की देखरेख में वो आलस्य नहीं होता, लेकिन घर में माता पिता के निगरानी में चूंकि उनको रहना है और माता पिता का जो बच्चों का जो प्रेम का संबंध होता है उसमें अनुशासन और कठोरता नहीं होती तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे उसमें क्या क्वालिटी होगी उसका भरोसा नहीं था। जी, जी। तो हमने ये विचार किया कि हम इसमें एक प्रतिस्पर्धा का भाव लाएं और बच्चों को ओपन मंच करके, खुला मंच करके पूरे मध्य प्रदेश में हमने राज्य बालश्री कला प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया ऑनलाइन। उसमें हमने नियम और शर्तें बनाई, हमारे जो जवाहर बाल भवन के नियम थे एज लिमिट वही हमने रखी और वही सुविधा दी हमने कि आप घर में बैठ करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए। आप सात चीज़ों में हमने उनको भाग लेने के लिए सिखाया। यह उसका एक पोस्टर है, आप पोस्टर इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी सर, हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। इसमें मुख्य रूप से सात गतिविधियों को हमने लिया है। एक तो सृजनात्मक लेखन है, कविता, कहानी, निबंध और जो जो बच्चे लिखना चाहते हों ये एक अच्छा काम है। फिर एकल अभिनय लिया है, नाटक में चूंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग रखना है तो बहुत सारी भागीदारी नहीं हो सकती, तो एक अकेला बच्चा घर में बैठकर अभिनय करके अपना रिकॉर्ड भेजेगा प्रतियोगिता में। चित्रकला प्रतियोगिता है, उसमें मूर्तिकला को रखा है और हस्तकला हैंडक्राफ्ट जो हाथ से चीज़ें बनाएंगे उनको रखा है, और गायन और वादन संगीत में दोनों विधाओं को हमने स्थान दिया है। जी, जी। किसी भी यंत्र को बजाते हों आप और उसको उसकी रिकॉर्डिंग करके आप भेज सकते हैं, और गायन में किसी भी विधा में आप गाते हों, सुगम संगीत गाते हों, फिल्मी गाने गाते हों, फिल्मी गाने में हमने एक अवधि दी है, मुख्य जो बहुत लोकप्रिय गाने उस समय के हुए हैं उस समय को हमने उसमें बांधा है, और भजन है, कव्वाली है, गज़ल है, जो बच्चा जो अच्छा गाता हो उसमें हमने पूरी छूट दी है। इसी प्रकार से नृत्य में हमने एक कंटेम्प्रेरी डांस का ऑप्शन दिया है और शास्त्रीय नृत्य का भी दिया है अवसर। तो ऐसी सात प्रकार की गतिविधियों में, कलाओं में हमने बच्चों को अवसर दिया है कि घर में सीखें, अपनी रिकॉर्डिंग करके वीडियो हमारी प्रतियोगिता में प्रविष्टि लेकर के पंजीयन करा करके भेजें। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इसको 10-12 दिन 15 दिन मुश्किल से अभी हुए हैं शुरू किए, और पूरे मध्य प्रदेश से बहुत उत्साह से लगभग 400 प्रविष्टियां अभी तक हो चुकी हैं। क्या बात। और अभिभावकों और बच्चों के उत्साह को, उमंग को देख करके अभी कल ही हमने इसको एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड बढ़ गया है, विद्यालय खुलना नहीं है तो बच्चे घर पर रहेंगे। हाँ, घर पर ही रहेंगे। जी, जी, जी। तो निश्चित रूप से कि 20 जून तक हमने इसको आगे बढ़ाया है, और उसमें हमारी योजना यह है कि 20 जून तक जितनी प्रविष्टियां आएंगी अगले 10 दिनों में 30 जून तक हम इनका मूल्यांकन कराकर अच्छे जजों से और सब बच्चों को बुला करके एक बहुत अच्छा, हमारा स्थापना दिवस 3 जुलाई को होता है, अगर सब कुछ परिस्थिति सामान्य हो गई और प्रतिबंध समाप्त हो गए तो एक सुंदर उत्सव आयोजन करेंगे, सृजन उत्सव, और उसमें इन बच्चों को पुरस्कार देंगे और उनका परफॉर्मेंस का भी मौका देंगे, जो बच्चे ऐसा चाहेंगे कि हम करना चाहते हैं, गायन वादन या नृत्य जो भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। ये हमारी प्रतियोगिता मुझे लगता है कि संकट में सृजन का एक सकारात्मकता अच्छा का बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, किस उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें? इसमें 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे, 1 अप्रैल 2020 को जिन बच्चों की उम्र 5 वर्ष हो गई हो और 1 अप्रैल 2020 को जिन बच्चों की उम्र 16 वर्ष से अधिक ना हो, ऐसे सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म कैटेगरी और या बिना किसी प्रदेश के निवासी होने चाहिए, ऐसा भी हमने कोई कठोर नहीं रखा है। अगर प्रदेश के बाहर के, जैसे अभी हमारे केजी त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं बंबई और दिल्ली के वरिष्ठ रंगकर्मियों से, उनके फेसबुक पर वो लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारा प्रचार प्रदेश से बाहर भी हो रहा है। जी, जी, तो जी। अगर बाहर के बच्चे भी भाग लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे देश के बच्चे हैं, कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है, निवास का या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं जी, है जी, जी। फ्री, ओपन फ्री मंच है पूरे देश के लिए, सभी के लिए, पूरे देश के लिए एक ओपन मंच है। यदि आप भी चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। बीच बीच में आपको फोन नंबर्स भी दिखाए जाएंगे, आप उन फोन नंबर्स देख सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर जवाहर बाल भवन की साइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। केजी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप तो एक रंग निदेशक भी हैं, तो बच्चों को आप नाटक सिखाते हैं, यदि एकल अभिनय को छोड़ दिया जाए तो उसमें एक से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, तो फिर स्टार्टिंग में जब रीडिंग हुआ करती है, बारीकियां सिखाई जाती हैं,
कैसा थ्रो होना चाहिए, कहाँ आपको पॉजेस लेने हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे कैसे सीख सकते हैं इस वक्त घर पर बैठे हुए? इस तरह की कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है अभी या फिर आगे इस तरह की कुछ प्लानिंग है? नहीं, इस तरह क्या होता है कि वो जो थ्योरी वाली बात होती है जी, वो फिर हर संडे मैं जूम मीटिंग करता हूँ उन बच्चों के साथ। अच्छा। और थ्योरी जूम पर बताता हूँ कि देखो क्या करना है, यानी कि इस तरह की क्लासेस हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। सर आप हमें ये बताइए कि जवाहर बाल भवन में कई सारी गतिविधियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जब बच्चों की छुट्टियाँ नहीं होती हैं उस वक्त कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, कैसे बच्चे, क्योंकि कहते हैं कि आजकल बच्चों को ऑलराउंडर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, तो क्या हर तरह की क्लासेस पूरे साल भर चलती रहती हैं और साल भर ही कुछ ना कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम और हमारा अमला जो वहाँ पदस्थ है नियमित और वार्षिक पूरे समय काम करता है, मतलब अस्थायी व्यवस्था नहीं है, और हम लोग पूरे 12 महीने लगातार गतिविधियाँ चलाते रहते हैं। हमारे शिक्षक तैयार रहते हैं। हमारी जो व्यवस्था है जवाहर बाल भवन की, उसका कॉन्सेप्ट गुरुकुल परंपरा जैसा है। इसमें कोई सिलेबस नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई कोर्स निर्धारित नहीं है, कोई परीक्षा का या कोई प्रमाण पत्र का कोई विषय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के ऊपर कोई बंधन या तनाव नहीं है कि उनको आना कब है, कब जाना है। तो बच्चे जब विद्यालय चल रहे होते हैं तब भी हफ्ते में कभी एक दिन, कभी दो दिन, ऐसा वो बच्चे अपनी सुविधा से, अपने शिक्षक जो उनको सिखा रहे हैं कलाओं को उनकी सुविधा से, आपस के तालमेल से, उनको कब क्या सीखना है और कब आना है ये तय करके आते रहते हैं। अब जैसे बाल भवन में 2500 या 2600 2700 बच्चे पंजीकृत हुए, तो ग्रीष्मावकाश में जब इस विद्यालय नहीं होते हैं उस समय तो बहुत बड़ी भीड़ आती है, हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं। कई बार तो मुझे लगता है 1500-1800 बच्चे एक एक दिन में आते होंगे। लेकिन जब अवकाश नहीं होता विद्यालयों में, तब उन 8-9 महीनों में संख्या अवश्य कम होती है, लेकिन 20-25-50 बच्चे लगभग हर क्लास में आते रहते हैं। और उसका एक तरीका हमने और निकाला है, जो मेरा अपना नया प्रयोग है। मैं पिछले 2 वर्षों से वहाँ गतिविधियों का मासिक कैलेंडर तैयार करता हूँ एडवांस में जी। कि हम इस महीने में ये करेंगे। हमारे यहाँ 15-16 विधाएं हैं, उनका महीने में एक बार या दो बार उनका नंबर आता है। जैसे नाटक है तो एक या दो दिन उनको मिलेंगे महीने में, तो उन एक या दो दिन में जो नियमित कक्षाएं चल रही हैं उनके अतिरिक्त उनको फोकस करके कोई विशेष वर्कशॉप या विशेष आयोजन करना होता है। तो इस प्रकार से सभी विधाओं को बराबर मौका मिलता है और सभी विधाओं में कुछ ना कुछ हर महीने काम होता रहता है। तो बच्चे भी नियमित कुछ ना कुछ संख्या में आते हैं, उतनी संख्या में नहीं आते, क्योंकि कला ऐसा विषय है कि कोई पाठ्यक्रम जैसा महीने दो महीने में पढ़कर कंप्लीट करके और उसकी परीक्षा दे करके उसको पास कर लिया जाए ऐसा विषय नहीं है। ये पूरे जीवन भर सीखने और समझने का विषय है। बिल्कुल सही। तो बच्चे अपनी रुचि की विधा को धीरे धीरे अपने गुरु के मार्गदर्शन में, उनके आश्रय में, बहुत प्रेम और स्नेह के साथ संबंध बना करके, बिना किसी तनाव के या बिना कोई टारगेट लिए कि मुझे इतने दिन में ये करना है, अपनी गतिविधि को निखारते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जैसे उनको समय और सुविधा मिलती है। तो सृजन साधना जो है, कला की साधना, ये निरंतर प्रक्रिया है जी। बिल्कुल। तो हमारे बाल भवन में निरंतर ऐसे, और बहुत विशेष आयोजन हम लगातार कराते रहते हैं। जैसे 14 नवंबर का बाल दिवस का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, 10-15 दिन उसकी एक्टिविटी आगे पीछे चलती रहती है, और जितने भी त्यौहार होते हैं, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, और जितने भी विशेष दिवस है, जैसे खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, और विज्ञान दिवस है, ऐसे दिवसों को, और जैसे पर्यावरण दिवस है, गांधी जयंती है, हाँ, जितने सामाजिक विषय हैं उन सब विषयों पर लगातार हम साल भर काम करते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। पिछले साल तो बहुत अच्छा हमने KG त्रिवेदी जी ने और हम लोगों ने मिल करके नाट्य विभाग में नया प्रयोग किया है। क्योंकि बच्चे सप्ताह में कम आते हैं, संडे का दिन ऐसा होता है जब बच्चे फ्री होते हैं, तो उसमें से 2 घंटे का, सुबह 10 से 12 का हमने तय किया। इनने, KG त्रिवेदी ने इसका इनिशिएटिव लिया और मैंने इनको पूरा समर्थन दिया। बहुत अच्छा संडे क्लब नाम से हमने एक बहुत अच्छा नया नवाचार किया। उसमें छोटे से लेकर बड़े तक बहुत से बच्चे, उनके पेरेंट्स 2 घंटे के लिए आते और बहुत सारी चीज़ें, गीत, कविता, कहानी, नाटक, अभिनय, उसकी विभिन्न विधाओं में रुचि की जो चीज़ें, खूब एंजॉय करते बच्चे बिना बंधन के,
तो अब जो बच्चे लगातार पढ़ाई, होमवर्क, कोचिंग क्लास और स्कूल के कारण समय नहीं निकाल पाते, कम से कम 7 दिन में एक दिन और वो भी 2 घंटे आकर के अपना उससे जुड़े रहते हैं और उनमें उत्साह और उमंग भी आती है। तो ऐसे लगातार हम बहुत अच्छे अच्छे आयोजन और नवाचार करते रहे हैं और आगे भी हम लगातार ऐसे काम करते रहेंगे। बिल्कुल, इस तरह के कार्य आगे भी होते रहेंगे, इस तरह का आश्वासन है हमें। ये हम सभी जानते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें आवश्यकता होती है एक आकार देने की। आज की घड़ी में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अलग करे, कुछ अलग हटके हो, भीड़ से हटके हो। के जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार बच्चों के अंदर भी इस तरह का सामंजस्य नहीं बैठता है कि हमें आखिर करना क्या है। हमें एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, तो क्या जवाहर बाल भवन में इस तरह की कोई काउंसलिंग भी की जाती है बच्चों से मुलाकात करने के बाद कि बच्चा आप इस विधा में बेहतर हो, आपको इस तरफ जाना चाहिए, आपका करियर इसमें बन सकता है, कि इस तरह का भी कुछ होता है? देखिए, इस तरह का होता तो नहीं है, पर वहाँ हमने एक सुविधा दे रखी है। वो ये सबसे बड़ी सुविधा है कि ठीक है, बच्चे के माँ बाप ने उसको ज़बरदस्ती कहा कि आगे बढ़ेगा, साइंस लेगा, पेंटिंग सीख, नंबर ज़्यादा मिलेगा, वो बच्चा पूरे बाल भवन में कहीं भी घूम सकता है और वो जो क्लास उसको अच्छी लगती है उसमें जाके बैठ जाता है और वो फिर वो कंटिन्यू करता है। अच्छा। उसको पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो बच्चे के लिए ही जगह है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चौकीदार की तरह बैठा हूँ कि बच्चे एक दूसरे से झगड़े नहीं। मतलब ये हुआ इसका कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं है कि किस बच्चे को क्या सीखना करना है। बच्चे आते हैं, सभी कक्षाओं में जाते हैं, सभी गतिविधियों में बराबर शामिल होते हैं। जैसे भजन संध्या का प्रोग्राम करा रहे हैं तो सारी विधाओं के बच्चे बैठेंगे। तो अगर बच्चे की अभिरुचि किसी दिशा में, दूसरी दिशा में है और गलती से माता पिता के दबाव के कारण या नासमझी में बच्चा जल्दीबाजी के उत्साह में कोई गलत गतिविधि चुन करके सीखने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपनी मौलिक रुचि और प्रतिभा के हिसाब से कुछ दिन में, 10-15 दिन में, महीने 2 महीने में वो सही जगह पहुंच जाता है, अपने आप चुन लेता है कि मेरा ये भविष्य है और मैं इसको अच्छे से करूंगा। और हमने इसकी सुविधा भी दी है कि जिन 2 गतिविधियों में प्रवेश उसने लिया है, तो जब वो चाहे तब वो बदल सकता है, अपनी गतिविधि को हमारे रिकॉर्ड से चेंज करा सकता है कि नहीं मुझे अब ये नहीं सीखना है, मुझे ये विधा सीखना, दूसरी कर। तो ऐसे बच्चे प्रायोगिक तौर पर देख करके, स्वयं अनुभव करके, स्वयं शिफ्ट हो जाते हैं उस अपने मनोअनुकूल जो उनकी विधा है, जो उनकी नैसर्गिक प्रतिभा है। सर, आप तो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, साहित्यकार भी हैं, तो इन चीज़ों का लाभ बच्चों को किस तरह से मिल पाता है? मैडम, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसकी शिक्षा और संस्कार से निर्मित होता है। जी, हमने जो शिक्षा पाई है, जो विषय हमने पढ़े हैं, मेरा विषय मुख्य रूप से वैदिक दर्शन है, मैंने उसमें PhD किया है और दर्शन शास्त्र के साथ साथ मैंने संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य ग्रेजुएशन में पढ़ा था। तो निरंतर साहित्य, दर्शन और ऐसे विषयों को पढ़ने से जो हमारे अंदर व्यक्तित्व में एक सृजनात्मकता, सकारात्मकता का विकास होता है और जो व्यक्तित्व में कहते हैं उभार आता है, उत्कर्ष की ओर बढ़ता है, उसका हमारे जीवन में अंतर आता है। और जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, चाहे हमारा परिवार हो, समाज हो, या हमारी संस्था जहाँ हम नौकरी करते हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उनमें सब में प्रतिफलित होता है। के जी, मेरे साथ एक वर्ष पहले मैं 2010 में बाल भवन में था, एक साल रहा जी। और अब मुझे लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया लगातार काम कर रहे हैं। तो उस व्यक्तित्व का अंतर, एक अनुशासन, मैं अनुशासन पसंद आदमी हूँ, नियम से काम करने वाला आदमी हूँ, और सभी विधाओं में मेरा, चूंकि मैं दर्शन शास्त्र मेरा विषय है, दर्शन शास्त्र और साहित्य ऐसे मूल विषय हैं, तो कला की कोई भी गतिविधि आप लें, उसमें विचारों का, दर्शन का और साहित्य का बराबर महत्व होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप नाटक देखें, तो नाटक की जो भी कथा वस्तु लिखी जाएगी, स्क्रिप्ट होगी, वह किसी न किसी सामाजिक संदेश या विचार को लेकर के प्रेरित होगी, वह दर्शन का हिस्सा है। उसमें जो संवाद लिखे जाएंगे, कथा के जो शब्द होंगे, बोल होंगे, और जो भी उसका शब्द पक्ष होगा, स्क्रिप्ट होगी, वो सब साहित्य का विषय होगा। तो साहित्य और दर्शन, इसी प्रकार जैसे संगीत का विषय है, संगीत में जो गीत होगा, जो उसके बोल होंगे, वो साहित्य से आएंगे, उसका जो विचार होगा, उसमें जो रस होगा, वो रस दर्शन से प्रभावित होता है, विचारधारा से प्रभावित होता है। तो मेरे व्यक्तित्व में चूंकि ये मूल विषय थे, दर्शन और साहित्य, और ये जवाहर बाल भवन की जो सभी गतिविधियां हैं वो इन्हीं सब से जुड़ी हुई हैं, तो मैं अपनी पसंद से
इस जगह पर काम करने के लिए आया और मैंने भरसक कोशिश की इन विधाओं में जो भी मेरा योगदान हो सकता था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी और जो लोगों के ध्यान में नहीं थे, जो विचारों में नहीं था। मैंने लगभग सारी विधाओं को प्रोत्साहित किया और अच्छे अच्छे बच्चों को, शिक्षकों को प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव है कि मैं अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अपने जॉब के साथ, अपने पद के साथ न्याय कर रहा हूं और मेरे विचार अभी बहुत ऐसे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करूं, लेकिन चूंकि बहुत सारी मर्यादाएं और बहुत सारी समस्याएं हर जगह आती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हमारे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं और ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता हम कर रहे हैं और ये मेरे समझ से हम अपने कर्तव्य के साथ न्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, बालश्री एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, ये राज्य स्तरीय है। और सर, बालश्री से बड़ी भी क्या कोई प्रतियोगिता होती है, उसके बारे में आप जानकारी दें और बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनमें? मैडम, बालश्री जो मूलतः प्रतियोगिता है वो भारत सरकार की प्रतियोगिता है, लेकिन पिछले दो वर्षों से किन्हीं परिस्थितियों के कारण, भारत सरकार में जो भी अपरिहार्य परिस्थितियां निर्मित हुई हों, 18 और 19 में हमारे यहाँ राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर पर बालश्री प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाया है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब राष्ट्रीय स्तर पर बालश्री का आयोजन नहीं हो रहा है तो हम अपने राज्य स्तर की बालश्री प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं, ताकि बच्चों को जो अब ये इन जो बच्चे इस एज ग्रुप में होंगे उनका समय दोबारा नहीं लौटेगा और एक उम्र होने के बाद बच्चे 16 वर्ष के बाद ऐसे कठिन कैरियर के समय में पहुंच जाते हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में चले गए, अपने कैरियर की चिंता में होते हैं कि फिर बच्चों में कलात्मक चीज़ों के प्रति रुझान और उनका प्रदर्शन करने का समय उनको नहीं मिलता है। तो बच्चों को उनके जीवन में ये पश्चाताप न रहे कि उन 2-3 वर्षों में जब हम कुछ कर सकते थे हमको अवसर नहीं मिला है। तो मैंने राज्य स्तर पर ये बालश्री प्रतियोगिता प्रारंभ करने का विचार किया है और अभी तो हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे ही इसके परिणाम आएंगे उसकी समीक्षा करके मैं प्रयास ये करूंगा कि शासन स्तर पर इसको नियमबद्ध करके, और अभी ये एक केवल कार्यक्रम है, फिर आगे चल करके मैं इसको योजना का रूप देना चाहूंगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके, उनका मार्गदर्शन लेकर के। और मुझे याद आता है कि जब 2010 में मैं जवाहर बाल भवन में था तो मैंने एक नई राज्य स्तरीय योजना बाल प्रतिभा सम्मान योजना शुरू की थी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के अंदर एक भाव होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बालश्री प्रतियोगिता में जो बच्चे जीत विजेता हो गए वह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गए और उनको एक लाभ मिल गया, वो मतलब एक विजेता की तरह सम्मानित हो गए। लेकिन फाइनल तक पहुंचने वाले बच्चे जो किसी कारणवश चयनित नहीं हो पाए तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस स्तर से किसी तरह के कम बच्चे हैं। उनके जीवन में निराशा ना हो, उनको भी अप्रिसिएशन मिले और उनको भी कुछ मिल जाए। तो इस विचार को सोच करके मैंने एक पुरस्कार राशि तय कराई, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने तय की, मेरा प्रस्ताव था, कैबिनेट में पारित हुआ 2010 में राज्य बाल प्रतिभा सम्मान। तो जितने बच्चे प्रदेश से राष्ट्र स्तर पर सम्मिलित होने जाएंगे उनमें से जो चयनित हों या ना हों, मध्य प्रदेश सरकार उनको एक निश्चित राशि पुरस्कार में प्रदान करेगी। क्या बात? जो उस समय नियम बने थे कि जो बच्चे बालश्री में विजेता होंगे उनको हम 10,000 रुपए देंगे राज्य सरकार की तरफ से, और जो बच्चे विजेता नहीं होंगे, केवल भाग लेने गए लेकिन विजय नहीं हो पाए, चयनित नहीं हो पाए, उनको 5,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी और उनको भी प्रमाण पत्र दे करके आयोजन करके, हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उस आयोजन में रहे, ऐसा सब निर्देशों में है, और सम्मान समारोह आयोजित करके बच्चों को उस लेवल तक पहुंचे। हाँ, ये फीलिंग ना हो कि हम हार गए हैं, प्रदेश की तो प्रतिभा है वो, तो बाल प्रतिभा सम्मान मध्य प्रदेश स्तर पर हमने उनको अप्रिसिएशन दिया था, ये एक योजना बनाई थी। अब मैं चाहूंगा कि ये बाल श्री राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता, ये योजना हम बनाएंगे लगभग कुछ ऐसी ही होगी और इससे अच्छी भी कुछ कोशिश करेंगे। जैसा आगे भविष्य होगा और जैसा शासन का आदेश होगा मैं वैसे प्रयास करूंगा। बिल्कुल केजी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब बाल भवन की स्थापना हुई उस वक्त बाल भवन ने क्या सोचा था कि हमें किस मुकाम पर जाना है या बच्चों के लिए किस तरह के कार्य करना है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, और आप शुरुआत से हैं वहाँ पर, आपको वहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में जानकारी है, तो आप हमें बताएं कि क्या एक गोल अचीव किया था और क्या वहाँ तक पहुँच पाए? देखो, जो गोल अचीव किया था उससे तो बहुत आगे निकल गया जी, गोल तो मीलों पीछे छूट गया है। काम निरंतर हो रहा है और अच्छा हो रहा है, बच्चे निकल रहे हैं और
बतौर प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब कोई अगर 13 साल में ये स्वीकार कर ले कि नहीं मुझे तो पेंटर ही बनना है जी, नहीं मुझे तो एक्टर ही बनना है जी, नहीं मुझे तो डांसर ही बनना है, तो ये उस इंस्टीट्यूशन की उपलब्धि है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं। क्या बात है, और उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं कि आज हजारों बच्चे इन आर्ट के थ्रू अपनी रोजी, अपना घर परिवार चला रहे हैं। बिल्कुल सही। मुझे याद है केजी सर, मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद जब छोटी थी तो मैं बाल भवन जाया करती थी, और सच में बाल भवन में इस तरह की गतिविधियां होती हैं, आप जा सकते हैं और अपने मन पसंद की आपकी जो भी चीज़ है वो क्लास अटेंड कर सकते हैं और आप अपने अंदर के हुनर को निखार भी सकते हैं। सर ये तो छोटे बच्चों की बात हुई, जो बड़े बच्चे हैं वो भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े बच्चों को भी थिएटर सिखाते हैं, नाटक करना सिखाते हैं, आपके कई सारे नाटकों को पुरस्कार भी मिल चुके हैं, तो आप ये बताइए हमें कि जब उनके अंदर इस तरह के, क्योंकि एक एज निकलने के बाद हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि हम उस चीज में सफल होंगे कि नहीं, हमारा बेस उतना मजबूत होगा कि नहीं, तो उनके लिए आप किस तरह से कार्य करते हैं, क्या बाल भवन उसके लिए भी सोचता है या फिर या आप अलग से उनके लिए कुछ कार्य करते हैं? देखिए बाल भवन से निकला हुआ बच्चा वो कितनी भी बड़ी उम्र का हो जाए उसको छूट है कि वो वहां आए और वहां आकर काम करे, जो उसने सीखा है वो शेयर करे लोगों को, तभी एज ए इंस्ट्रक्टर वो वहां सकता। हाँ, क्या है कि ये तो ज्योति है, ये एक दूसरे से एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, और बाकी जो हैं वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर, बतौर राइटर सब करते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज आपकी रुचि, जितना इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, रुचि सबसे बड़ी चीज, रुचि ही आपको सब कुछ सिखाएगी, और आपकी रुचि होगी तभी जो है आपकी पीठ पर हाथ रखकर और आपको आगे की तरफ पुश किया जाएगा लगातार। बिल्कुल सही कहा आपने। आप हमें ये भी बताइए कि जो लोग प्रोफेशनल थिएटर करते हैं, जो रेपेट्रीज चलाई जाती हैं, वो भी इस समय बंद है, और इसके अलावा जिन लोगों की रोजी चलती है इससे वो भी इस वक्त बंद है, तो उन लोगों को किस तरह की मदद की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस मंथ में जितना कमाया वो अगले मंथ तक चल जाएगा, उसके बाद की चीजें कैसे होंगी, तो उसके लिए किस तरह का कार्य किया जा रहा है? वो तो आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी जी है एक, वो कैसे काम करती है? वो सिर्फ आर्टिस्टों की बीमारी के लिए काम करती है जी, उससे शुरू किया है, करीब 46 एक घर ऐसे मिले हैं जी जिनके चूल्हे हमें सितंबर तक जलाने हैं और हम वो जला रहे हैं, क्या पूरी कोशिश कर रहे हैं जी जी। तो आप हमें ये बताइए कि जो लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कलाकारों की मदद करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? वो तो टेलीफोन से जुड़ रहे हैं, टेलीफोन से जुड़ सकते हैं। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप वो नंबर जरूर बताएं ताकि जितने दर्शक हैं वो नंबर देखकर आपसे संपर्क कर सकें उस एसोसिएशन से। बिल्कुल, आप हमें जरूर बताइए अगर इस वक्त आपके पास वो नंबर मौजूद है तो। तो सर आप हमें ये बताएं कि जब बाल भवन में कार्य होता है उस वक्त कुछ बच्चे ऐसे भी निखर के आते होंगे जो आपको लगता होगा कि ये बड़े स्तर पर और जाना चाहिए, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि इनकी जो प्रतिभा यहाँ पर निखर के आई है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके, तो उसके लिए किस तरह के कार्य किया जाता है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम केवल सिखाने का काम नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने जवाहर बाल भवन को एक नया नाम दिया है, बच्चों का भारत भवन जी। जवाहर बाल भवन बच्चों का भारत भवन है। भारत भवन में बड़ों के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं, जवाहर बाल भवन में वही गतिविधियाँ हम बच्चों के लिए करते हैं। मुझे थोड़ा सा जो अंतर दिखाई देता है, कहूँ कि मैं अपने बाल भवन की तारीफ कर रहा हूँ, इसको पक्षपात भी कह सकते हैं, कि भारत भवन में परफॉर्मेंस पर ज़्यादा जोर है जी,
आप बाहर से कलाकार बुलाकर परफॉर्मेंस करा सकते हैं। हमारे जवाहर बाल भवन में ज़्यादा कला की गहरी साधना का विषय ये है कि हमको बाहर से परफॉर्मेंस बुला करके नहीं कराने हैं जी, हमको उसके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर बाल भवन जितने कार्यक्रम करता है, जितने आयोजन करता है, विभिन्न उत्सव करता है, प्रतियोगिताएं करता है, बच्चों को मंच प्रदान करता है ताकि उनका हुनर निखरे, तो उसमें ये आवश्यक होता है। मैंने तो नियम बना रखा है कि जवाहर बाल भवन में जो भी कार्यक्रम होगा उसमें केवल वही बच्चा भाग ले सकेगा जो बाल भवन में पंजीकृत होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बच्चा बाल भवन में न सीख सकता है न परफॉर्मेंस कर सकता है, और जो भी आयोजन होगा उसमें पंजीकृत बच्चा भाग लेगा। और एक गतिविधि में या एक बार पंजीकरण कराने का, चाहे वो किसी गतिविधि में पंजीकृत हो, वो सारी गतिविधियों में भाग ले सकता है। ये हमने उनको अच्छी छूट दी हुई है। जैसे ये बालश्री प्रतियोगिता में अगर स्टेट का कहीं का भी बच्चा इसमें पंजीकरण करा लेता है, एक बार पैसा दे देता है, तो उसको बार बार फिर किसी और क्लास के लिए या किसी अन्य गतिविधि के लिए या किसी प्रतियोगिता के लिए साल भर उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। एक बार वो हमारा बच्चा हो गया, हमारा सदस्य बन गया बाल भवन का, इसके बाद वो साल भर परफॉर्मेंस देगा और साल भर जुड़ा रहेगा। और जो बात आपने पूछी थी कि हम उनको क्या उनकी कला निखारने के लिए अवसर देते हैं, तो लगभग हर महीने हम 10 या 15 आयोजन करते हैं, कम से कम अच्छे स्तरीय आयोजन, जिनका व्यापक प्रचार प्रसार हम मीडिया में करते हैं। प्रिंट मीडिया, खासकर मध्य प्रदेश के जितने भी अखबार हैं, भोपाल के विशेष रूप से, प्रतिदिन लगभग जवाहर बाल भवन की गतिविधियों से भरे रहते हैं। तो हमारा काम जनता तक पहुंच जाए, लोगों तक, बच्चों के फोटो छपवाते हैं हम, बच्चों का परफॉर्मेंस का डिटेल हम उसमें छपाते हैं और बच्चों को अवसर देते हैं। लगभग साल भर में हर गतिविधि के 10-10, 15-15 आयोजन हम करते हैं जी। तो इस प्रकार से हर एक त्यौहार में, हर एक दिवस में, राष्ट्रीय महत्व के दिवस में, और विशेष रूप से हमारा स्थापना दिवस जुलाई में होता है। एक बार तो हमने 5 दिन का स्थापना दिवस मनाया था, अलग अलग विधाओं में प्रदर्शनियां लगाई थी, नाटक कराए थे, नृत्य कराया था, सब विभिन्न आयोजन किए थे, और दीपावली के समय पे कराते हैं। दूसरा 14 नवंबर का जो बच्चों का विशेष बाल दिवस होता है उसमें कराते हैं। मकर संक्रांति में जैसे पतंग महोत्सव या बाल मेले हम समय समय पर लगाते हैं, बच्चे अपने स्टॉल प्रदर्शनी लगाते हैं, तो हम अनेक अवसर ऐसे साल भर उपलब्ध कराते हैं बच्चों को, और सब कुछ निःशुल्क होता है। बच्चों को किसी प्रकार से खर्च नहीं करना पड़ता, उसका सारा व्यय बाल भवन बहन करता है, और ये हमारे बच्चों को ही अवसर मिले, इसलिए हम किसी बाहरी संस्था को या किसी बाहरी व्यक्ति को उसमें परफॉर्मेंस नहीं देने देते, हमारे ही बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और बहुत बड़ा एक अवसर है कि हमारे बच्चों को मौका मिले। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आपको सिर्फ एक टाइम यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके बाद आप बाल भवन में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है बाल भवन में। सर, मुझे उम्मीद है कि नंबर आपको मिल गया होगा, आप हम सभी को नंबर अवश्य ही बताइए। ये शिवकांत वर्मा साहब का नंबर है, जिन्हें लोग मामा जी कहते हैं, 8880492709। हम चाहिए एक बार और रिपीट करें, 8800492709। क्या बात है, हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने ये नंबर लिख लिया होगा। कुछ देर में हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आपको ये नंबर दिखाएंगे, आप नोट कर सकते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता का दबाव रहता है कि दूसरी चीज़ नहीं करना है, आपको आगे जाके प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है, तो आपको एक तरह की पढ़ाई ही करनी होगी, तो उन माँ बाप को आप क्या कहेंगे कि कैसे वो बच्चों को बाल भवन तक आने दें, या फिर उनके अंदर की जो प्रतिभा है भले घर बैठे ही कैसे निखारने दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक दिशा में ही आगे बढ़े, हो सकता है कि उसका मन किसी दूसरी चीज़ में हो और उस चीज़ में वो उससे भी बेहतर कर जाए, तो वो माँ बाप के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वस्तुतः हमारे समाज में दो प्रकार के वर्ग मोटे तौर पर बन गए हैं। एक संपन्न और सुशिक्षित वर्ग है जी, जो पढ़ाई लिखाई के अलावा इन कलाओं के महत्व को बेहतर समझता है। हमारे जवाहर बाल भवन में बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों के, संपन्न व्यक्तियों के बच्चे आते हैं जी, निश्चित रूप से, और मैंने ये देखा है कि संपन्न वर्ग में इन कलाओं के प्रति रुझान अधिक है। दूसरा जो वर्ग है, जो
खाने कमाने में अपने पूरी ऊर्जा व्यय करता है, उनका जीवन संघर्ष में बीतता है, ऐसे वर्ग को अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके जल्दी से कोई अच्छा रोजी रोजगार या नौकरी तलाश करने का जो दबाव उनका है, वो स्वाभाविक है ऐसा होना, क्योंकि उनके सामने आजीविका का संकट है, वो विलासिता के या आनंद के एन्जॉयमेंट के उसमें नहीं है, परिस्थितियों में नहीं है। तो माता पिता का निश्चित रूप से ऐसा आग्रह बच्चों के प्रति रहेगा, लेकिन जवाहर बाल भवन का महत्व यहीं स्थापित होता है कि हमारे 2600 2700 या 2500 जब जैसे हर वर्ष जो बच्चे पंजीकृत होते हैं उनमें संपन्न और संभ्रांत वर्ग के बच्चे कम होते हैं। इन आसपास के झुग्गी बस्तियों के गरीब तबके के या मध्यम वर्ग के निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे अधिक होते हैं, और मेरा अपना जो अनुभव है कि सभी बच्चे अच्छा करते हैं, लेकिन इन विशेष वर्गों के बच्चे जो समृद्ध नहीं हैं, संपन्न नहीं हैं, जिनके माता पिता का आग्रह पढ़ाई लिखाई के प्रति ज़्यादा और कलाओं के प्रति रुझान स्वाभाविक रूप से कम रहेगा, फिर भी अधिकांश बच्चे जो जवाहर बाल भवन में अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे नाटक के क्षेत्र में हों चाहे विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में हों, वो इन निम्न मध्यम वर्ग के और गरीब तबके के बच्चे हैं। क्योंकि हम अपनी व्यवस्था में ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा जोड़ें जी, और निरंतर हम उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनके इस तरह के बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, जिनके माता पिता स्वयं बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं उनको भी ध्यान देते हैं, लेकिन उतना ध्यान उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो संपन्न वर्ग के हैं और वो अपने आप सब कर लेंगे, उनके माता पिता अवेयर हैं। लेकिन हम ज़्यादा फोकस उन बच्चों पर करते हैं जिनको माता पिता सक्षम नहीं है और जो उनको महत्व नहीं समझते। बिल्कुल सर, हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा प्रयास है कि बहुत सारी बातें आज पहुंचे भी होंगी। आप दोनों ने ही बहुत सारी जानकारियां हमको दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और जो लोग टीवी देख रहे हैं इस वक्त, आप नंबर नोट कर सकते हैं कलाकार सहायता कोष का, और आप उसमें सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी का फर्ज बनता है कि हमें हमारे साथ रहने वाले लोगों की, हमारे आस पड़ोस की, सभी की मदद करनी चाहिए इस संकट की घड़ी में। तो हम ऐसी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपको अवश्य ही जानकारी मिली होगी, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।